स्टूडेंट्स, मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा, परिसर ज्ञात करने के लिए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जो दिया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है फार्मूला आपको, कि माध्य बराबर होता है कुल पेक्षणों का योग बटे पेक्षणों की संख्या। यानी जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों का योग करेंगे और उन आंकड़ों की संख्या को गिन के उसका भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याएँ। प्रथम 5 पूर्ण संख्या आप जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे आप ले सकते हैं। तो हम प्रथम 5 पूर्ण संख्या लेंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि हमको 5 लेने हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 1, 2, 3, 4, 5, हमने पूर्ण संख्या ले लिया। अब इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है, कई बार आपको बता दिया गया है, माध्य इक्वल टू होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुल प्रेक्षणों का योग करेंगे। जो प्रेक्षण दिए हुए हैं उनका हमें क्या करना है, योग करना है, और जो आंकड़े दिए गए उन संख्याओं से काउंटिंग करके उसका हमें डिवाइड देना है। ठीक है, तो हम जो कुल प्रेक्षण है हमारा दिया हुआ है 0, योग करेंगे तो जमा करेंगे 2 जमा 3 जमा 4, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हम 5 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, तो हम इसको काउंटिंग करेंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड देंगे और ऊपर का ऐड करेंगे, तो 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिलता है, 10 मिला और नीचे दिया हुआ है 5, तो हम 5 से इसमें डिवाइड देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, इस प्रकार से आएगा 2। जो माध्य होगा वो आएगा 2, यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उसका माध्य निकालना है, तो आप इसी फार्मूले से उसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।